हीरो का दोस्त कपले रोल प्ले कर रहा हूँ और ये किरदार ऐसा है कि अपने दोस्त की शादी कराने पे तुला हुआ है, फिर वो फेसबुक हो या किसी भी माध्यम से, पर हमारे यहाँ जो माध्यम है वो फेसबुक है हमारे सिनेमा में। और शाम दाम दंड भेद कैसे भी हो, मेरे दोस्त की शादी हो जाए, यही मंशा है हमारी। देखिए हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छा पहलू होता है बुरा पहलू होता है, तो फेसबुक के भी अच्छे पहलू। फेसबुक आया तो लोगों ने अपने बरसों पुराने, कभी स्कूल में कोई पढ़ता था दोस्त, उसके बाद वो बिछड़ गए, फिर कहाँ गए कोई मान, लेकिन फेसबुक से अचानक वो मिल गए और वो दोस्ती फिर से शुरू हो गई। तो फेसबुक का ये फ़ायदा भी हुआ है, और नुकसान ये हुआ कि लोगों ने ज़्यादातर वायरल वीडियोज़ जो करके ये करके इसका गलत असर पड़ता है। इंसान का क्या है कि इंसानी फितरत ऐसी होती है कि जो देखता है उसको तुरंत फट से यकीन कर लेता है, सोचने टाइम नहीं लेता कि जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ वो सही है या गलत है। तो उसका एक फेसबुक पर जो है असर पड़ता है, जैसे कि अखिलेंद्र जी ने कहा कि हर ऐप्स का अपना अपना ये है, उसके एक एक अच्छा पहलू भी है, बुरा पहलू भी है। तो मुद्दा अपनी फिल्म का है कि फेसबुक वाला प्यार, फेसबुक से भी प्यार होता है, हमें हमारा मुद्दा फिल्म का ये है। और ये प्यार कैसे होता है और किस तरह का प्यार है ये तो हम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, ये तो जनता जाएगी देखेगी तो उनको सस्पेंस में लगेगा कि वाकई ये फेसबुक वाला प्यार है या कि पुराने ज़माने का प्यार है। फिल्म में ये एक ट्विस्ट है, ये हम बता नहीं रहे आपको। देखिए मेरी पहली फिल्म है, मेरे पास से फिल्म आई और मैंने सिलेक्ट कर लिया, यू नो एवरी गर्ल वॉन्ट्स टू बी अ हीरोइन, और मेरे पास से मौका मिला मैंने छोड़ा नहीं, एंड नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर रोल्स, मोर सब्सटेंशियल रोल्स, मैं काफ़ी काम करना चाह रही हूँ। एंड प्रोसेस बहुत अच्छा था फिल्म का, मुझे बहुत मज़ा आया शूट करने में, हमने लाहौर दरगाह में शूट किया है, तो अच्छी सी लाइट हार्टेड बड़ी इनोसेंसी लड़की है और बहुत ही इनोसेंसी स्क्रिप्ट है। यू नो फेसबुक पर दो लोग मिलते हैं और दोनों को प्यार हो जाता है और उन दोनों की आई मीन जर्नी है, तो बहुत फैंटास्टिक और बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस था। और गाने वाले देखिए, सबसे पहले तो मेरे जैसे एक्टर जो हैं वो काम ढूंढते रहते हैं, वो आपको बम्बई शहर में हर जगह मिल जाएंगे काम ढूंढने के लिए। जैसे ही मेरे पास नारायण जी का फ़ोन आया कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, मैंने कहा हाँ बताओ कहाँ है स्क्रिप्ट, तो हम मुलाकात करी हमने, ही टोल्ड मी द स्क्रिप्ट फेसबुक वाला प्यार। तो मुझे लगा यार ये थोड़ी सी फेसबुक पे मिलना और प्यार होना क्या आज के समय के हिसाब से वेदर इट इज़ रेलिवेंट इन टुडेज़ टाइम, तो मुझे लगा यार शायद हो सकता है मेट्रोपॉलिटन जो है वो इस फेज से बाहर जा चुका है, अब हम टिंडर पे जा चुके हैं, अब हम ट्विटर पे जा चुके हैं, इंस्टाग्राम पे जा चुके हैं। बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा मैं आपको शेयर करना चाहूँगा जो शूट पे हुआ, जिसकी वजह से मेरी बिलीवेबिलिटी जो है स्क्रिप्ट के अंदर आ गई। जहाँ पर मुझे एक लड़का और लड़की से मुलाकात हुई शूटिंग के दौरान, वो दोनों लड़का और लड़की जो है वो लड़का जो था रांची से भाग के आया हुआ था, लड़की जो थी वो अपनी नानी के साथ बनारस से लोहर दग्गा जिस जगह पर हम शूटिंग कर रहे थे उस होटल में आके रुकी हुई थी, और उस लड़की ने और उस लड़के से मुलाकात करी थी फेसबुक पे, वो कनेक्ट हुए और किस तरीके से उस लड़की ने उसको बताया, और वो लड़का उससे मिलने के लिए रांची से भाग के 14 साल का लड़का वो जो है उस लड़की से मिलने के लिए आया हुआ था। और जब उसने मुझे ये बात बताई तो मुझे एहसास हुआ कि यार एक अल्टरनेट रियलिटी नाम की कोई चीज़ होती है जो आई थिंक उसमें हम जीना पसंद करते हैं, जो हमें लगता है कि मेट्रोपॉलिटन में जो घटित हो रहा है आई थिंक दैट इज़ द रियलिटी। बट जब आप एक्चुअली बॉम्बे से भी अगर आप 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर बाहर निकलते हैं तो आपको समझ में आता है कि फेसबुक का कितना बड़ा जो लाइक इन द सेंस जो क्लैन जो फैल गया है जो अब एक्चुअली इन ऐसी जगहों पर आ गया है। तो वो जब मुझे महसूस हुआ कि यार एक स्वीट सी लव स्टोरी है जिसमें कोई वायलेंस नहीं है, कोई अब्यूजिंग नहीं है, कोई न्यूडिटी नहीं है, कहीं पर भी ऐसी एक ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी, फिल्म को पढ़ते हुए भी मुझे ये महसूस हुआ और फिल्म को देखने के बाद अभी आपने भी रशेस देखे ही हैं गानों के और ट्रेलर का, तो उसमें आपको कहीं पर भी एक अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं होगी अगर आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के इस फिल्म को देखेंगे। सो आई थिंक एज एन एक्टर दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू चूज़ दिस फिल्म। आई थिंक फेसबुक पर सब लोग एक दूसरे को स्टॉक करते ही रहते हैं, आप उसको कन्फेस करें या ना करें स्टॉक तो हर कोई करता है, फेसबुक पे नहीं करता है तो आजकल इंस्टाग्राम पर आ गए हैं, स्टॉकर्स तो हर जगह भरे हुए हैं। तो मैंने तो देखा है, मेरी तो लाइफ में मैंने देखा है, मैं दो लोगों को जानती हूँ जिनकी शादी हुई और आई थिंक वो यहाँ पर हैं भी इस समय, जिनकी शादी हुई और वो लोग फेसबुक पर मिले थे। तो यू नो ऐसा होता है, हमारे समाज की बात है ये कि दो लोग, और मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसका नाम मेरी अभी चक्षु, मैं मेरठ से हूँ बेसिकली, तो शी स्टिल इज़ मेरठ, तो शी इज़ मैरिड नाउ एंड शी मेट द हस्बैंड ऑन फेसबुक एंड थ्रू फेसबुक,
तो उनकी जो जर्नी और लाइफ और लव स्टोरी बिगिन हुई थी वो फेसबुक के थ्रू। आई थिंक अगर हम सिर्फ अगर इसको लव स्टोरी को एक लड़का और लड़की के बीच में ना देखें, आई थिंक फेसबुक पे बहुत सारी लव स्टोरीज हो रही है। आई थिंक एक लव स्टोरी मेरी खुद की मदर के साथ, मेरे फादर के साथ भी एक नई लव स्टोरी शुरू हुई है, क्योंकि आजकल एक अजीब से पॉपअप्स आ जाते हैं कई बार फेसबुक पे कि 9 ईयर्स ऑफ फ्रेंडशिप और 1 ईयर ऑफ फ्रेंडशिप, और कई बार वो पॉपअप्स जो हैं आपकी खुद की फैमिली के मेंबर्स होते हैं। मतलब मेरी सिस्टर का एक दिन मेरे को पॉपअप आया कि कॉन्ग्रेचुलेशन दैट यू हैव बीन फ्रेंड्स विद पूजा बग्गा फॉर 5 ईयर्स, एंड माई सिस्टर कॉल्ड मी, एंड आई थिंक दैट बिकेम अ मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन कि हाउ मच वी लव ईच अदर। सो आई थिंक प्यार को अगर सिर्फ हम लड़का और लड़की के बीच में ना देखें, फेसबुक के थ्रू बहुत सारे लोग जो हैं, खासकर मिडिल क्लास फैमिली की अगर मैं बात करूं, जहां पर एक बेटा जो है बाप से गले नहीं मिल पाता है आज की डेट में भी, आई थिंक फेसबुक ने वो दूरियां जो हैं थोड़ी सी कम कर दी है। आप अपनी दिल की बात जो भी होती है वो शेयर कर पाते हैं। तो थैंक्स टू मार्क ज़करबर्ग, काफ़ी लोगों को मिलवा दिया उन्होंने, बहुत सारे आपस में ही ना फैमिलीज। मतलब प्यार सिर्फ आई थिंक अगर उसको लड़का लड़की ना देखें, प्यार अगर उसको देखें दोस्तों के बीच में, प्यार भाई बहन के बीच में, मासी के साथ, मामा के साथ, लाइक आई थिंक वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर फैमिलीज मिल रही हैं। यार पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं, तो डेफिनेटली सोशल मीडिया के जितने पॉजिटिव साइड्स हैं उतने नेगेटिव भी हैं। डेफिनेटली काफ़ी सारे फेक अकाउंट्स होते हैं, फेक आईडीज होते हैं, और लोगों के अकाउंट जो है वो हैक हो जाते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनके साथ हम सभी डील कर रहे हैं। मेरी खुद की सिस्टर का अकाउंट जो है वो हैक हुआ था, सो आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट डेफिनेटली हमारा तो एक बड़ा स्वीट सा मैसेज है कि दो लोग मिलते भी हैं और प्यार भी होता है। जहाँ तक मेमोरीज की बात है, मेरी एक्चुअली सबसे बड़ी मेमोरी जो है वो उस जगह पर जाकर शूटिंग करना, आई थिंक दैट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज एज इस फिल्म से पहले मैं कभी झारखंड में गया नहीं था, और झारखंड का नाम जब आता है तो आई थिंक बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये भी नहीं पता होगा कि झारखंड अलग है और बिहार अलग है। मतलब ये ट्रेजेडी इन आर टाइम्स दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो जब मैं रांची एयरपोर्ट पहुंचा तो तब तक सिर्फ मेरे भी दिमाग में सिर्फ ये था कि अच्छा रांची झारखंड मीन्स धोनी, और वहाँ से भी जब रांची से भी जब मुझे बताया गया कि हमारी शूटिंग जो है 3 घंटा आगे कहीं ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम रांची, तो मुझे लगा अच्छा चलिए देखते हैं, एक नया एक्सप्लोरेशन हुआ, एक नई जगह देखेंगे। और जब मैं वहाँ पर पहुँचा, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो अभी भी जगह, नॉट दैट आई एम कंप्लेनिंग अबाउट इट, बट एक्चुअली आई फील सैड अबाउट इट कि वो जगह अभी भी इतनी अंडर डेवलप्ड है। काफ़ी बड़ा एरिया है, काफ़ी बड़ी टाउनशिप है, जहाँ जो लोहरदग्गा नाम की जगह है, बॉक्साइट नगरी कहा जाता है उसे, सबसे ज़्यादा बॉक्साइट निकलता है वहाँ से। और वहाँ पर मैंने देखा है एक डोमिनोज, एक मैकडोनल्ड्स, मतलब अगर आपको मैकडोनल्ड्स खाना है तो आपको रांची जाना पड़ेगा उसके लिए। तो हम अभी भी उस वर्ल्ड में रह रहे हैं। तो एज एन एक्टर जब आपको ऐसे मौके मिलते हैं ऐसी फिल्म्स के थ्रू, जब आप एक्चुअल रियल लोगों के बीच में जा पाते हैं, आई थिंक वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है। और वहाँ के लोगों से जो आपको प्यार मिलता है, जिस तरीके से वो लोग आपको देख रहे होते हैं, मतलब मैं अगर खड़ा होता था शूटिंग के दौरान और वहाँ पर मतलब 2000 का क्राउड इकट्ठा हो गया, राजेश जी वहाँ पर हैं, अखिलेंद्र जी वहाँ पर हैं, मनमोहन वहाँ पर हैं, नैन्सी वहाँ पर है, और उनको लग रहा है कि यार ये हमारे शहर में कुछ क्या हो रहा है, उनकी जो वो खुशी और उनका वो जो पूरा एटमॉस्फेयर था वो इतना थ्रिलिंग और इतना एनर्जी देता है आपको कि आपको लगता है कि यार आप ज़िंदगी में यू डोंट नो लाइक इन द सेंस वेदर यू आर अ ग्रेट एक्टर, वेदर यू आर अ स्टार और नॉट, बट व्हेन यू आर विद देम दे गिव यू अ फीलिंग कि यार आप लोग कुछ कर रहे हैं। सो आई थिंक वो जो फीलिंग मैंने वहाँ से ली, वहाँ के लोगों से, आई थिंक वो हमेशा exactly. हमारा एक गाना था जो हम लोग लोअर दगा में शूट कर रहे थे, वो शूट कर पाना बहुत मुश्किल हो गया था, इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, यू नो, तो हमें एक दिन के लिए शूट टालना भी पड़ा था, बिकॉज़ वी वर नॉट एबल टू शूट इट। सी आई डोंट डू वर्क टू ब्रेक माय इमेज, आई हैव नेवर वर्क टू ब्रेक माय टू आई हैव वर्क नॉट टू ब्रेक माय इमेज। क्योंकि अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सबसे बड़ा, आई थिंक उस लेवल पे अगर मैं बोलूं, जिस फिल्म का आपने नाम लिया था मिश्रा, आई थिंक वो एक ऐसी फिल्म थी जिससे इमेज ब्रेक भी हो सकती थी, जिससे इमेज बन भी सकती थी, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो एक प्रोड्यूसर का होता है, एक टीम का होता है जो फिल्म के पीछे होती है। अगर वो टीम को पता हो कि वो किस तरफ जा रहे हैं,
सो आई थिंक उस टीम से रिलेटेड हर इंसान को फ़ायदा हो गया है. सो मुझे उसकी कभी प्रॉब्लम नहीं है इमेज या किस तरीके से मुझे परसीव किया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एज एन एक्टर आई एम वेरी कंटेंट. मैं हर महीने में, आप मानेंगे नहीं, मैं हर महीने में 3-4 कैरेक्टर कर देता हूँ, चाहे वो एड्स हो चाहे वो शॉर्ट फिल्म हो. मैंने इतनी शॉर्ट फिल्म्स कर दी हैं पिछले 2 साल में, आई थिंक अगर मैं चाहूँ तो मैं अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च कर सकता हूँ. आप समझ रहे हैं, नाउ आई हैव गॉटन इन टू प्रोडक्शन, आई हैव लॉन्च माई कंपनी, आई हैव प्रोड्यूस्ड 1 म्यूजिक वीडियो विच हैज़ बीन डायरेक्टेड बाई प्रदीप सरकार, यू नो सिल्वेस्टर फोंसेका हु हैज शॉट सीक्रेट गेम्स, ही हैज शॉट इट, स्वानंद हैज रिटन द लिरिक्स, यू नो. सो आई एम वर्किंग टूवर्ड्स माई गोल टू सेटिस्फाई माई सेल्फ एज एन आर्टिस्ट. जो हम सब कोशिश करते हैं, जो आप भी कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको लाइक इन द सेंस पता चलेगा कि यार स्कॉर्सीसी जी जो हैं बम्बई में आए हुए हैं, तो आप लोगों का भी मन करेगा यार कि वहाँ जाके इंटरव्यू लिया जाए, उनसे पूछा जाए कि वहाँ का प्रोसेस क्या होता है, यू नो. सो इट्स एन एक्सचेंज, और ये बहुत ही पर्सनल इंडस्ट्री है जैसा कि मैंने आपको बताया. सो आई थिंक जो फाइट है ना, वो सिर्फ फाइट इस चीज़ की है कि आपका कैलिबर, आपका टैलेंट, आपकी इंटेंशन एज राहुल बग्गा, अगर वो सामने वाले को समझ में आ जाती है तो आई थिंक बारे नहीं आ रहे. एंड सर ने वेरी ब्यूटीफुल म्यूजिक किया है, बहुत अच्छे सिचुएशन के हिसाब से गाने लिखे गए हैं सारे. सर ने सिचुएशन बताया, डायरेक्टर सर ने, नारायण जी ने, तो उसके बाद हमने राइट किया गाना. नारायण जी ने फिल्म के हिसाब से बहुत अच्छा गाइड किया, बहुत अच्छा समझाया, और मनवारा गाना है जो मैंने भी लिखा है, उन्होंने भी लिखा है, तो कहीं कहीं साथ में भी नाम है. लेकिन मेन बात वो है कि गाना जो चीज़ हम चाहते हैं वैसी होनी चाहिए, तो उसमें वैसा म्यूज़िक और वैसे सिंगर है, श्रेया घोषाल है, सुनील निगम, जो गाने को निभाया उन लोगों ने. मेरे बहुत अच्छे प्रोग्रामर है दुर्गेश राठौर, उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग किया, तो सब टीम वर्क है सारा. फेसबुक अच्छा, मतलब न्यू जनरेशन को मिलाने के लिए एक अच्छा साधन है. और जो लोगों ने, मतलब जो इस फिल्म के बारे में जो उनके मॉम डैड हैं बच्चों के, जस्ट लाइक जो हमारा स्टार कास्ट है, उन्होंने एक अच्छा नया आइडिया निकाला है कि फेसबुक पे जो लोगों की शादी हो रही है और दे आर हैप्पीली मैरिड. जी, फेसबुक के बारे में यही है कि बहुत ज़रूरी है आज की डेट में अपने आप को अपडेट रखना. फेसबुक से इंसान एक दूसरे से जुड़ा रहता है, और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और बहुत से नुकसान भी हैं. फ़ायदा तो ये है कि एक लड़का एक मुखड़े को देख के शादी होती है, वो वाली बात है. तो फेसबुक पे अगर किसी लड़की को कोई लड़का पसंद कर रहा है तो वो शादी भी कर सकता है. बहका ये दिल कहने लगा, बहका सा ये रहने लगा, ख्वाब जो देखा मेरे दिल ने वो सच होने लगा. गुस्ताखियाँ नादानियाँ मैं तो हरदम करने लगा, मन बावरा होने लगा, तेरी ही बातें करने लगा. और ये लोगों को बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि आज के यंग जनरेशन लगभग फेसबुक पे डूबे हुए हैं, तो उस हिसाब से हमने ये सुना, क्योंकि ये सब जो घटनाएं हैं काफ़ी जगह घटती है, उससे हम कुछ खोज करके ये करके निकाले हैं. जो बहुत सारे जगह में, छोटे जगह में, जैसे मैंने पटना में कहानी सुना था जो वहाँ पर कुछ ये सच्चा घटना हुआ था, तो इसके लेके ये मुद्दा हम लोगों ने उठाया है. जैसे मैंने इसलिए कि अभी जैसे कि धीरे धीरे जैसे मेट्रो सिटी में बहुत पहले से जो ऑर्कुट आया, फिर ये आया, बढ़ते गए, लेकिन गांव वगैरह में धीरे धीरे अभी ये सब में लोगों को एंड्रॉयड का आने से बढ़ते जा रहा, तो उस हिसाब से हमने देखा कि कुछ इस तरह के घटने हो रहे हैं, तो फिर हमने देखा कि ये तो मेट्रो में ये सब संभव नहीं है, तो इसके लेके उसमें झारखंड के को मैंने चुना, और क्योंकि मेरा नेटिव प्लेस भी है तो मेरे को वहाँ काम करने में भी आसानी होगी, बोल के ये मैंने चुना. मेरा जो कैरेक्टर है उसका नाम है प्रोफेसर संकटा प्रसाद, वो हिंदी का प्रोफेसर है, हिंदी पढ़ाता है, और जब हिंदी वो पढ़ा रहा होता है क्लास में तो कई स्टूडेंट्स जो हैं फेसबुक पे चैटिंग कर रहे होते हैं, तो प्रोफेसर अपने आप में फेसबुक से बहुत ज़्यादा त्रस्त है. इसी तरह जो हमारे वकील साहब हैं, जो राजेश जी, वो भी त्रस्त हैं, उनके यहाँ केस वैसा चल रहा है कुछ फेसबुक को लेकर,
तो बहुत खूबसूरत नारायण साहू जी ने स्टोरी इसका ताना बाना गढ़ा है कि दो पिताओं की जो बात है, एक्चुअली अंग्रेजी में कहें तो दिस इज टेल ऑफ टू फादर्स, एक दो फादर्स के द्वारा, पिताओं के द्वारा ये कहानी का ताना बाना बुना गया है। और वो जो दोनों फेसबुक से त्रस्त हैं, वो फेसबुक ऐप को ही सेलेक्ट करते हैं अपने बच्चों को मिलवाने के लिए, अपने बच्चों की शादी के लिए, क्योंकि नई पीढ़ी के युवा युवती इतना प्रभावित हो गए हैं फेसबुक से आजकल। तो ये एक है, और मुझे जब इन्होंने ये सब्जेक्ट बताया तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा कि बड़ा बढ़िया है, ये तो बहुत ही अच्छा कंटेंट है और मेरा ख्याल है नई पीढ़ी को बहुत अच्छा लगेगा, तो लेट्स डू, हम करते हैं। मेरी कोई लव स्टोरी नहीं है, मेरी जब लव का ज़माना था उस समय फेसबुक नहीं आया था, मेरी उम्र काफ़ी निकल चुकी थी, मोबाइल भी नहीं आया था, बिल्कुल राजेश जी ने सही फरमाया, मोबाइल भी नहीं आया था। तो सो हमारे साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटी। नहीं, अगर उसकी एक सीमा हो इस्तेमाल करने का, अगर हम सही ढंग से जाने कि इस सीमा तक ही इसका प्रयोग करें, क्योंकि आज पूरी दुनिया सिमट चुकी है डिजिटल मीडिया पे, ये माध्यम इतना सशक्त हो चुका है कि एक क्षण में पूरी दुनिया में बात फैलती है, तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। लेकिन अधिकता किसी भी चीज़ की, किसी भी चीज़ का जो एक्सेस होना जो है वो बहुत खतरनाक है, सेहत के लिए बिल्कुल खतरनाक है, कि बच्चों का जो दिमाग है वो दिमाग मस्तिष्क पे बहुत ज़्यादा असर कर रहा है, शरीर का पानी सोख ले रहा है मोबाइल जो है, मोबाइल पे इतने सारे ऐप्स आ गए हैं, तो ये बच्चों के मस्तिष्क पे बहुत फर्क पड़ रहा है। तो एक सीमा तक इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन एक सीमा में रह के। ऐसा कुछ नहीं है, ये फेसबुक का थोड़ी दोस्ती होती है, जब इसमें जो मिला जाता है उसमें कन्फ्यूजन भी होता है, और ये फिर ये निष्कर्ष लास्ट में जो है दोनों फादर जो है उसको क्लियर करते हैं, और फिर ये नारायण जी ने स्क्रिप्ट जब मैंने बताया तो कहानी हमको अच्छी लगी। स्टार कास्ट का अच्छा काम है सबका, सब अपने 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 करेक्टर में सब सही है। ये एक तरह की फन फिल्म है, जो चूंकि युवाओं में फेसबुक का प्रभाव है, कई ऐसे ऐप्स आए हैं जिनका प्रभाव है, और नारायण जी ने चूज ही किया है फेसबुक को, कि फेसबुक के जरिए कैसे लड़के लड़कियां कनेक्ट होते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, और आज फेसबुक आने से जो संयुक्त परिवार के जो संबंध थे वो तक खत्म हो गए हैं, पति पत्नी भी साथ बैठे रहते हैं, अपने अपने चैटिंग पे लगे रहते हैं, तो इस तरह की भी चीज़ें हो रही हैं समाज में, और बहुत बृहद रूप से इसका बहुत ही बृहद रूप से प्रसारण हो गया है, और उस तरह का कोई संदेश नहीं दिया गया है कि फेसबुक इस्तेमाल मत कीजिए। हाँ, इतना है कि दो पिता त्रस्त हैं फेसबुक से, लेकिन वो अपने बच्चों को मिलवाने के लिए फेसबुक ही सेलेक्ट करते हैं, ये इस कहानी में है। एक गुदगुदी है, एक बासु चटर्जी के जोनर की फिल्म है, उस जोन तक नहीं पहुँचे हैं, लेकिन नारायण जी ने उस जोन को छूने की कोशिश की है इस फिल्म के ज़रिए। ये हम झारखंड को चुने हैं और सारे सॉन्ग्स हमने दार्जिलिंग में शूट किए हैं। थैंक यू, थैंक यू। आप सबको एक बात, ये 5th January है, और आज ही के दिन 4 साल पहले अमेरिका के एक डॉर्मेटरी रूम से ये फेसबुक शुरू हुआ था। क्या बात है, टुडे इज द डे। इस फिल्म में जो फिल्म का नायक है राहुल बग्गा, इसके फादर का रोल है, पेशे से वकील है और एक फैमिली है छोटी सी, राहुल बेटा है, पत्नी है और एक नाती है, तो वकील है, छोटे से शहर में रहता है, अपनी फैमिली से खुश है, खुशहाल आदमी है, चाहता है कि बेटा घर पर साले, बेटे की उम्र हो रही है, उसको लेकर थोड़ा सा परेशान है, और बेटा शादी नहीं करना चाहता है, तो इसकी एक जी बिल्कुल ये दिन चुना गया है। और फिल्म क्या होती है कि फिल्म बनने के बाद अगर ज़्यादा दिन तक पड़ी रहे तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, तो मेरे अपने ख्याल से फिल्म जब बनकर तैयार हो जाए तो उसको जितना जल्द हो सके रिलीज़ कर देना चाहिए। फिल्म अच्छी है या बुरी है ये तो जनता डिसाइड करेगी, लेकिन उसको रखना नहीं चाहिए ज़्यादा तक, फिर उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है।